हेलो, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ब्लूटूथ स्पीकर। तो इस अमेज़न के पैकेट में मेरे पास है एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसमें है बोट स्टोन 260 ब्लूटूथ स्पीकर। देखेंगे हम कैसे ये स्पीकर है, कितने का आपको ये मिल जाता है और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सो गाइज, ये है हमारा पैकेट, चलिए जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये आ गया है हमारा बॉक्स स्पीकर का। यहाँ पर मेंशन है ब्रांड नेम बोट और यहाँ पर मॉडल नंबर स्टोन 260। और इधर भी कुछ देखते हैं, कुछ ब्रांड की डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दी हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हुए। तो चलिए जल्दी इसको खोलते हैं, बॉक्स को देखते हैं। और यहाँ पर ये की सील है। तो ये आ गया है स्पीकर, हैवी लग रहा है हाथ में लेने से। और स्पीकर को अभी हम साइड में रखते हैं, देखते हैं और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ये कुछ रिंग टाइप मिल गया है, इसे अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है छोटी सी, इसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं कैसे स्पीकर को ऑपरेट करना है। और यहाँ पर एक ये ब्रांड डिटेल्स है जहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आता है स्पीकर को लेकर। तो और एक ये आपको यहाँ पर केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और कोई आपको केबल नहीं मिलती यहाँ पर। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में और आते हैं हम अपने मेन स्पीकर की तरफ। तो ये है हमारा स्पीकर। ओ वाओ, देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है ये स्पीकर। इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर एक ये मैट फिनिश है और इधर ये रबर टाइप की फिनिश है ताकि ये पिसलेगा भी नहीं। और यहाँ पर ये जो हमें हुक मिला है, ये हुक आई थिंक इसके अंदर लगाने के लिए हमें दिया गया है जिसमें हम इसे लगा सकते हैं। और इसको मैं खोलकर देखता हूँ कि ये कैसे ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, आप इसे ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो ये है बोट स्टोन 260 और यहाँ पर आपको एक जैक दिया जा रहा है जिसके अंदर आप केबल कनेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। और इधर कुछ बटन्स दिए गए हैं फॉरवर्ड के लिए, ऑन ऑफ़ के लिए। और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, इधर मॉडल नंबर और इसकी बेसिक डिटेल्स दी गई हैं स्पीकर की। तो चलिए इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा आपको साउंड सैम्पल मिल जाता है। और एक हाँ बात, मुझे काफ़ी कमेंट्स आई लोगों की, मैंने एक वीडियो बनाई थी बोट स्टोन 200 पर जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई और आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आई। आप पूछ रहे थे कि बोट स्टोन 200 लें या ये 260 लें। तो इसीलिए मैंने इस स्पीकर को ऑर्डर करा है 260 को, इसे चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको ये स्पीकर दिखाने वाला हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी सुनाने वाला हूँ और इसके बाद एक अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं इन दोनों स्पीकर का कंपैरिजन करूँगा ताकि आपको बेहतर पता चल पाए कि कौन सा स्पीकर आपके लिए बढ़िया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। और ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, आई थिंक आपको प्रॉपरली दिख पा रहा होगा, ये बटन है यहाँ पर, इसको हम प्रेस करते हैं और देखते हैं ये ऑन होता है नहीं। ओके ओके, आपको एक ये साउंड सुनाई देता है पावर ऑन का। और अब ये ऑन हो गया है, चलिए मैं इसको पेयर करता हूँ अपने फ़ोन के साथ और फिर हम कुछ साउंड सैंपल्स देखते हैं। तो ये हो रहा है पेयर, देखिए जब आप पेयर करते हैं तो तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि स्पीकर पेयर हो गया है। तो चलिए कुछ हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है और वॉल्यूम हम देखते हैं, वॉल्यूम यहाँ से हम अब ये फुल वॉल्यूम पर है।
सो गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी लाउड है ये स्पीकर। और अगर हम लाउडनेस की बात करें, जैसे कि कंपैरिजन तो मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ, फिर भी अगर हम देखें तो बोट स्टोन 200 जो है, दोनों की लाउडनेस लगभग एक सी है। बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में कंपेयर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आते हैं इस स्पीकर की तरफ, तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा फंकी लुक में ये स्पीकर आता है। तो अगर आप ऐसा कुछ लुक पसंद करते हैं तो आपके लिए ये स्पीकर परफेक्ट है। शेप जो है वो इसकी कुछ ओवल सी शेप दी गई है, और मतलब लुक में काफ़ी अच्छा है ये स्पीकर। और कनेक्टिविटी की ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो वो मुझे कम लगे, क्योंकि इसमें आपको कोई ऑक्स इनपुट नहीं मिलती। अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें 1000 mAh की बैटरी मिलती है और 9 घंटे का प्लेबैक आपको मिल जाता है 80% वॉल्यूम पर। चार्जिंग के लिए 4 से 5 घंटे आपको इसको चार्ज करना होगा। फुल चार्ज करने के लिए ऑक्स इनपुट इसमें नहीं है, SD कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आप इसे 4.1 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, याद है, एज अ ब्लूटूथ स्पीकर आप इसे यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्पीकर वाटर रेजिस्टेंट है और IPX5 सर्टिफिकेशन के साथ ये स्पीकर आता है। तो हम इसको अब टेस्ट करने वाले हैं, पानी में इसे हम डालेंगे, देखेंगे क्या स्पीकर ये वर्क करता है या नहीं। सो गाइज, यहाँ पर है मेरे पास ये बाउल जिसमें है बहुत सारा पानी, और ये है हमारा स्पीकर। तो इसे हम टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको प्ले करता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये चल रहा है और इसे हम डालेंगे पानी। आप देख सकते हैं कि ये अभी भी वर्क कर रहा है और इसे हम दोबारा पानी में डालने वाले हैं। ये आप देखिए, अब फिर से हम इसे पानी में डालने वाले हैं। और ये दोबारा से हमने पानी में डाला इसको और ये वर्क कर रहा है। और एक बार फिर से हम इसे पानी में डालते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, ये स्पीकर वर्क कर रहा था, मैंने इसे पानी में डाला, तो काफ़ी सही है। मतलब जो इसकी सर्टिफिकेशन है वो बिल्कुल सही है, आप इसे एज आउटडोर स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। और डिज़ाइन वाइज काफ़ी फंकी है, अभी भी पूरा गीला हो रहा है ये स्पीकर। और मैं अगली वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं इसको और बोट स्टोन 200 जो स्पीकर है मेरे पास यहाँ पर, ये भी वाटर रेजिस्टेंट है, मैंने आपको दिखाया था इसका प्रूफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो जिसका अमेज़न पर प्राइस है वो है 1200 रुपीज़, 1199 रुपये में मैंने ये परचेस करा है। तो प्राइस वाइज स्पीकर काफ़ी सही है, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है। जो कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी वो है कि आपको ऑक्स इनपुट इसमें मिलना चाहिए था, जो कि इसमें ऑक्स इनपुट आपको नहीं मिल रहा है। और जो बोट स्टोन के जो और स्पीकर आते हैं उनकी बैटरी भी ज़्यादा होती है, इसमें 1000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है और स्पीकर में इससे ज़्यादा बैटरी भी मिल रही है। तो स्पीकर में बैटरी बढ़ा सकते थे, आपको जो प्लेबैक टाइम है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता। तो बाकी उम्मीद है ये स्पीकर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो मैंने इसे पूरे घर में टेस्ट करा है, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कनेक्टिविटी लॉस नहीं हुई है, काफ़ी अच्छी तरह इसने वर्क करा। तो अगर आप चाहते हैं स्पीकर को ख़रीदना, तो मैंने लिंक मेंशन करा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज़, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद आए, आपके काम में आए। दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। ये करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है।